जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में दीनदयाल स्मृति व्याख्यान 2018 का आयोजन किया गया। अखंड भारत की अवधारणा और कश्मीर विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर राम माधव मुख्य वक्ता के रूप में मौजूद रहे। राम माधव ने कहा कि कश्मीर में हो रहे पंचायत चुनाव के बाद हर पंचायत को 20 लाख रुपए देंगे, जिससे गांवों का विकास हो सके। कश्मीर में पंचायत चुनावों को वहां के दोनों दल विरोध कर रहे हैं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लोगों को नेतृत्व करने का अवसर देंगे। अब जनता इन दोनों दलों से भागकर चुनाव में हिस्सा ले रही है। अब तक कश्मीर में सिर्फ विधायक और सांसद होते थे, लेकिन इस बार कश्मीर में आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, साथ ही कश्मीरी पंडितों को भी वापस वहां पर बसाया जाएगा। राम माधव ने कहा कि हम आतंक के सामने झुकेंगे नहीं। पाक अधिकृत कश्मीर पर पहले चर्चा होगी, इसके बाद दूसरे मुद्दों पर पाकिस्तान के साथ चर्चा होगी। हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को वापस लेकर एक अखंड भारत बनाएंगे। कश्मीर में वही लोग भारत का विरोध कर रहे हैं जो पाकिस्तान के प्रलोभन में आ गए हैं। लाखों लोग भारत में ही रहना चाहते हैं। हम सारे सच देश के सामने रखे हैं और भी देश के सामने सच रखने का हम तैयार है, और पूरे देश की जनता को मोदी जी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। हमको लगता है कि ये कोई षड्यंत्र तो नहीं है कि हमारी सेना के अत्यावश्यक जो रफाल विमान है उनको समय पर भारत में आने से रोकने का कोई प्रयास तो नहीं हो रहा है, इसलिए ये झूठे प्रचार से हम उसको पूरा सामना करेंगे।